नमस्कार, मी सचिन. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहुयाच्या काही ठळक घडामोडी. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा बहुजन मुक्ती पार्टीकडून निषेध. मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी. गीतांजली ज्वेलर्स लिमिटेडमध्ये गुंतवणूक केलेल्या शेकडो गुंतवणूकदारांची पैसे परत करण्याची मागणी. मागणीसाठी BKC मधील डायमंड मार्केट समोर केलं आंदोलन. म्यानमारमधील रोहिंगे समाजाच्या पुनर्वसनासाठी केंद्राला साकडं. आमदार अबू आझमी आणि सहकाऱ्यांनी सुरू केली रोहिंग्या सॉलिडेटरी मुव्हमेंट. अंजनगाव सुरजीमध्येही रोहिंगे मुस्लिम समाजावरील अन्यायाचा तीव्र निषेध. MIMच्या वतीनं तहसीलदार कार्यालयावर भव्य मोर्चा. आणि चेंबूर माहूल BPT रोड येथील घासवाल्या बाबाचा उरूस सुरू. पालिका आणि MMRDAच्या कामामुळे भक्तांना होतोय नाहक त्रास. पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा बहुजन मुक्ती पार्टीच्या मुंबई प्रदेशच्या वतीनं निषेध करण्यात आलाय. पार्टीच्या वतीनं मुंबईतील आझाद मैदानात निषेध आंदोलन छेडण्यात आलं. या आंदोलनात गौरी लंकेश यांच्या मारेकऱ्यांना ताबडतोब अटक करून त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. मुंबईतील आझाद मैदानात बहुजन मुक्ती पार्टी मुंबई प्रदेशच्या वतीनं पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ निषेध आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात पार्टीचे मुंबई सदस्यीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. देशामध्ये सध्या विविध पुरोगामी नेत्यांवर हल्ले होत आहेत, त्याचा निषेध करण्यासाठी भाजपसह काँग्रेस पक्षाविरोधातही यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. महाराष्ट्रात दाभोळकर, पानसरे आणि गौरी लंकेश यांची हत्या झाले. या हत्येचा पार्टीचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रामनिवास गुप्ता यांनी निषेध केला. बहुजन मुक्ती पार्टी के द्वारा जो महाराष्ट्र में निर्भय पत्रकार गौरी लंकेश जी जो सच को उजागर कर रही थी, झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश कर रही थी, उसके ऊपर उनको आखिरी कायरों को आखिरी हथियार है जो उनकी हत्या करके आवाज़ बंद करने का मनुवादियों ने काम किया है, उसके निषेध में पूरे महाराष्ट्र में बहुजन मुक्ति पार्टी आज एक दिन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया हुआ था. और हम हत्यारों की फांसी हो ऐसी मांग करते हैं. और हमारे बहुजन आगे भी जो हमारे अंधश्रद्धा निर्मूलन के ऊपर जो पानसारे जी और हमारे दामोलकर जी के जो हत्यारे थे, आज भी उनको सजा नहीं हुई, इसलिए आज हम उनके ऊपर भी जो अभी महाराष्ट्र में अरे कर्नाटक से जो कलबुर्गी जी थे उनकी हत्या हुई, उनके हत्यारों को भी फांसी नहीं हुई. ये ब्राह्मणी व्यवस्था के वजह से जो ये चल रहा है षड्यंत्र, इस षड्यंत्र का हम निषेध करते हैं. और हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि हमारे इस हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा तपास लवकरात लवकर करावा याकरिता पार्टीच्या वतीने प्रशासनाला देखील विनंती करण्यात आली. त्याचबरोबर या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मागणी देखील करण्यात आली. या आंदोलनाची दखल शासनानं न घेतल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पार्टीचे मुंबई प्रभारी संतोष शिंदे यांनी दिलाय. गौरी लंकेश जी आहेत हे लिंगायत धर्माचे प्रचारक होते, त्यामुळे त्यांना मनुवादी लोकांनीच टार्गेट केलेलं आहे. त्यानंतर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काही वर्षापूर्वी कलबुर्गी असतील, पानसरे असेल, यांचीसुद्धा हत्या झाली. म्हणजे ह्या देशामध्ये की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शांतता होऊ नये किंवा समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्यायवरती हा धर्म उभा राहू नये. हे मायनॉरिटीज जे आहेत, संविधानाने प्रत्येक धर्माला आपापल्या पद्धतीने राहण्याचा आणि आपापला प्रचार करायचा मार्ग दिलेला आहे. या गौरी लंकेशच्या हत्येला भाजप सरकार जे आहे हे पूर्ण जबाबदार आहे. आणि भाजप सरकारची जी नीव आहे ते ज्याच्यावरती आधारित आहे तेसुद्धा मनुवादी आहे. तर आम्ही महामहिम राष्ट्रपतीला आम्ही निवेदन केलेलं आहे की तुम्ही संविधानाच्या माध्यमातून धर्मनिरपेक्ष राहून केंद्रातून म्हणजे महामहिम राष्ट्रपतीने सरकारला सूचित करून लवकरात लवकर हे गौरी लंकेशची हत्या ज्यांनी केली आणि अजूनपर्यंत पानसरे आणि दाभोळकर यांच्या हत्येचं पण अजून काही झालेलं नाही आहे, लवकरात लवकर त्यांच्या हत्यारे भेटले पाहिजे आणि त्यांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे, फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे असं आमचं मत आहे. बहुजन मुक्ती पार्टी गौरी लंकेशच्या हत्येचा तीव्र निषेध करते आणि या धरणाच्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्रभर हा निषेध व्यक्त केला आहे. भविष्यामध्ये जर याच्यावरती काही वाटचाल नाही झाली तर आम्ही याच्यावरती उग्र आंदोलन करणार आहोत. कॅमेरामॅन नितेश सह प्रिया भुजबळ जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता.
तहसीलदार आणि तलाठी यांना पोलीस प्रशासनाने केलेल्या मारहाणीच्या विरोधात औरंगाबाद सिल्लोडमध्ये कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन केले. या आंदोलनाचा फटका मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतोय. औरंगाबाद सिल्लोडमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उद्धट आणि अशोभनीय वर्तणुकीविरोधात महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ आणि औरंगाबाद कर्मचारी संघटनेनं लेखणी बंद आंदोलन पुकारले. परभणीमध्ये झालेल्या खासदार राहुल गांधी यांच्या दौऱ्याच्या वेळी सुरक्षा व्यवस्थेतील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांनी ओळखपत्र आणि सुरक्षा पास असताना देखील तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. त्याचबरोबर गंगाखेड येथे अवैध गौण खनिज उत्खनन विरुद्ध कारवाईसाठी गेलेल्या तलाठी पथकातील तलाठी शिवाजी मुरकुटे यांना मद्यधुंद अवस्थेत असलेले पोलीस निरीक्षक सोपान शिरसाट यांनी शिवीगाळ करत मारहाण केली. या दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांचा औरंगाबादमध्ये तीव्र निषेध करण्यात आला. जोपर्यंत या दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं नायब तहसीलदार संजय सोनावणे यांनी सांगितलं. गंगाखेड येथे तलाठी श्री शिवाजी मुरकुटे यांना मध्यधुंद अवस्थेत तेथील पी आय सोपान शिरसाट यांनी मारहाण केलेली वाळूपट्ट्यामध्ये. हालांकि वाळूपट्ट्यामध्ये तेथील तलाठी यांचे कर्तव्य आहे की वाळूपट्ट्यांना अवैध वाहतूक होऊ नये म्हणून ते कर्तव्यावर होते. ते कर्तव्यावर असताना सुद्धा त्यांना मारहाण केली. ह्या दोन्ही गोष्टी अतिशय निषेधार्य असून ह्या पोलीस खटल्याला न शोभणाऱ्या आहेत. आमची मागणी आहे महाराष्ट्र तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटना, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ, महाराष्ट्र महसूल कर्मचारी संघटना, चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघटना तसेच कोतवाल संघटना, की जोपर्यंत या दोघांना निलंबित करून शिस्तभंगाची कारवाई करत नाही तोपर्यंत आमचं लेखणी बंद आंदोलन ही मराठवाडा स्तरावर सुरू होईल. या लेखणी बंद आंदोलनामुळे प्रशासकीय कामावर परिणाम झालाय, कारण नागरिक तर बंद दालनासमोर ठिय्या मांडून बसलेत. आंदोलनात तालुका महसूल कर्मचारी संघटना, तलाठी संघटना आणि कोतवाल संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही आपला सहभाग नोंदवला. औरंगाबादहून अनिल साबळे, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता. गीतांजली ज्वेलर्स लिमिटेडमध्ये गुंतवणूक केलेल्या शेकडो गुंतवणूकदारांनी मुंबईतील बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील प्रसिद्ध डायमंड मार्केट लक्ष्मी टॉवर्सच्या समोर धरणे आंदोलन केले. आपण केलेली गुंतवणूक परत मिळावी याकरिता हे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. ऑल इंडिया गीतांजली विक्टिम फोरमच्या नेतृत्वाखाली देशातील विविध भागातून गुंतवणूकदारांनी एकत्र येत मुंबईतील प्रसिद्ध डायमंड मार्केट BKC मधील लक्ष्मी टॉवर्सच्या समोर धरणं आंदोलन केलं. या गुंतवणूकदारांनी सोनं आणि डायमंडचे व्यापारी असलेल्या मेहुल चौकशी यांच्या गीतांजली ज्वेलर्स लिमिटेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. मात्र दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे गुंतवणूकदारांना कोणताही परतावा देण्यात आला नाही, तसेच त्यांची मूळ रक्कम देखील परत करण्यात आली नसल्यानं अखेर या गुंतवणूकदारांनी धरणं आंदोलन केलं असल्याचे गुजरातहून आलेले गुंतवणूकदार दिग्विजय सिंग जडेजा यांनी सांगितलंय. हम लोग गीतांजली ज्वेलरी के इन्व्हेस्टर है सब लोग, और गीतांजली ज्वेलरी में मेरे जैसे बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है. करीब 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एज ए डिपॉजिट ये लोग ने लिया है, और वो डिपॉजिट अभी वो एक या दूसरे कारण से वो वापस नहीं दे रहे है. इसीलिए लोग हम लोग सब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इनके सामने आए हैं. मेरा खुद का अबाउट 106 केजी गोल्ड बार इसने ऐसे डिपॉजिट लिया है, और हमको ये एग्रीमेंट बना के दिया था कि इस पर एग्रीमेंट वो हमको पर ईयर 12% इंटरेस्ट देगा मिनिमम गारंटी का. वैसे उन लोगों ने ये गीतांजली ज्वेलर्स ने सबको ऐसा ही हमारे जैसे सब इन्वेस्टर को ऐसा भरोसा दिया था कि हम लोग आपको 12% मिनिमम गारंटी का इंटरेस्ट देंगे, तो वो लोग नहीं दे रहे हैं इंटरेस्ट, नहीं दे रहे, हमारा डिपॉजिट भी वापस नहीं दे रहा है. मेहुल चौकशी यांनी केवळ गुंतवणूकदारांचीच फसवणूक केली नाही, तर त्यांनी आतापर्यंत करोडोंचा घोटाळा केला असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. और इन लोगों ने ये फ्रॉड करा है. इनकी कंपनी का शेयर का किंमत जो 650 के ऊपर चल रहा था वो आज गिर के 60 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, और ये मेहुल चौकसी के ऊपर कम से कम बैंक अलग अलग बैंक का 800 करोड़ के ऊपर का लोन चल रहा है. उनके खुद का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें भी वो उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वैसा उनका CA रिपोर्ट दे रहा है कि वो टाइम पे वो नहीं, हाँ आज तक वो डिफॉल्टर नहीं हुआ है लेकिन टाइम पे लोन नहीं दे पाता है वो.
गीतांजली ज्वेलर्स लिमिटेडमधील आपल्या ठेवी परत मिळवण्याकरिता गुंतवणूकदारांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली. कित्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही न्याय मिळाला नसल्यानं या गुंतवणूकदारांनी गांधीगिरीचा पर्याय निवडत आंदोलन सुरू केले. लोगों ने जो कोर्ट में केस करे है वो इसमें हम बोल नहीं पाएंगे, क्यों कोर्ट का केस हम प्रेजुडाइज करना नहीं चाहते है, लेकिन हमने रिलेवेंट कोर्ट में इसका शिकायत करा है और पुलिस स्टेशन में भी हम लोगों ने शिकायत किया हुआ है. हम लोग ने पीएमओ तक लेटर लिखे है सब जगह पे हमने, लेकिन कहीं से भी हमको ठीक से कोई सुन नहीं रहा था. तो हमने सोचा कि हम गांधी जी की दिखाई हुई राह पे चल के यहाँ पे प्रोटेस्ट करें. तो हम यहाँ पे 11 तारीख से आए हैं, तो 12, 13, 14 ऐसा हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है. कॅमेरामॅन नितेश सह प्रिया भुजबळ जनादेश वृत्तवाहिनी करिता. घेऊ एक छोटीशी विश्रांती. म्यानमारमध्ये रोहिंगे समाजावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात मुंबईत रोहिंगे सॉलिडेटरी मूवमेंट ही चळवळ राबवली जाते. या अनुषंगानं आमदार अबू आझमी आणि मुस्लिम समाजातील विविध मान्यवरांनी केंद्र सरकारला रोहिंगे समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचं आवाहन केलंय. रोहिंग्या सॉलिडेटरी मूवमेंट ही चळवळ मुंबईत राबवली जाते. समाजवादी पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अबू आझमी, मौलाना महमूद दर्यावादी, मौलाना सय्यद अतहर, सरफराज अर्जू, फरीद शेख, मेहराज सिद्दीकी, सलीम खान हे मान्यवर या चळवळीचे प्रणेते आहेत. म्यानमारमध्ये अत्याचार पीडित मुस्लिम रोहिंग्या समाजाला भारतात शरण देण्यासाठी केंद्रानं प्रयत्न करावे अशी मागणी मुवमेंटचे मौलाना महमूद दर्यावादी यांनी केली. 25 ऑगस्ट फिर वहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ है, तब तक का सही फिगर किसी को नहीं पता है कि कितने लोग उसमें मारे गए हैं और कितने लोगों ने वहाँ पलायन किया है. 3 लाख लोग बांग्लादेश पहुँचे हैं, हमारे यहाँ भी कुछ थोड़े से लोग हैं. हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया इस जुल्म और अत्याचार के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, और हमारी हुकूमत से भी हम ये डिमांड करते हैं कि जो वहाँ के मजलूम, परेशान हाल, सताए हुए जो लोग आए हैं, उनके साथ हमारी हुकूमत हमदर्दी से उनकी मदद करे. जब तक उनके यहाँ हालात दुरुस्त नहीं हो जाते, उन्हें यहाँ रहने का मौका दे और पूरा प्रेशर अपना इस्तेमाल करे, बैन अलाक्वामी प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर दबाए डाले बर्मा हुकूमत के ऊपर. रोहिंगे समाजावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात आता मूवमेंटच्या वतीनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील पावलं उचलली जात असल्याची माहिती सरफराज आरजू यांनी दिली. लोगोने सबसे पहले तो युनायटेड नेशन्स को अप्रोच किया है कि वो अपना रोल और अपनी जिम्मेदारी अदा करे. दूसरे नंबर पे हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेजे हैं, होम मिनिस्टर को लेटर भेजे हैं, फॉरेन मिनिस्टर को लेटर भेजे हैं कि वो जो है इस सिचुएशन का जो है सही तरह से जो है इसका अंदाज़ा लगाए और गलत परसेप्शंस पर जो है कि बुनियाद पर अपनी पॉलिसी जो है मुरतब ना करे. हम लोग पब्लिक मीटिंग्स लेंगे, हम लोग प्रेयर मीटिंग्स रखेंगे, हम लोग कैंडल मार्च रखेंगे, हम लोग जिस तरह भी इन्हें लोगों के गम और गुस्से का इजहार हो सकता है उसको इजहार करने के जो भी डेमोक्रेटिक तरीके हैं उन तरीकों को जो है हम इख्तियार करेंगे. रोहिंगे समाजाप्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवेदनशीलपणाची भूमिका दाखवून त्यांना आश्रय द्यावा, त्यांच्याकरिता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवावा अशी मागणी आमदार अबू आझमी यांनी केली. भारतवर्ष की अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने रोहिंग्याई मुसलमान यहाँ आए हुए हैं इन सबको सम्मान के साथ यहाँ शरण दिया जाए, क्योंकि हमारे देश की हिस्ट्री रही है, हमारे देश की तहजीब, हमारे देश का कल्चर रहा है कि हम लोग जब भी कोई तकलीफ़ में आता है तो हम लोग वहाँ मदद के लिए खड़े होते हैं. बंगाल में जब बंगालियों के साथ जुल्म जाती हुई थी तो यहाँ 1 करोड़ बंगाली आए थे और भारतवर्ष ने लोगों पर कर लगाया था, टैक्स लगाया, रिफ्यूजी टैक्स लगाकर उन लोगों को मदद किया था. यदि आज नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल भीख मंगी हो गई हो, पैसा नहीं इनके पास है और ये कहते हैं 16 लाख लोगों को हम नहीं संभाल सकते हैं, तो लोग टैक्स लगा दें, वॉलंटरी टैक्स लगा दें, जो लोग टैक्स दें उनसे टैक्स ले लें और हम सब लोगों से पैसे जमा करके देने को तैयार हैं, परंतु इंसानियत इस देश से ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है.
मुवमेंटच्या वतीनं रोहिंगे समाजाच्या पुनर्वसनासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत आणि सामाजिक संघटनांनीही या चळवळीत सहभागी व्हावे असे आवाहन देखील अबू आझमी यांनी केले आहे. और हमारी मांग उन तमाम मुल्कों से है, उन तमाम लोग जो हैं जो ह्यूमन राइट के लड़ाई लड़ते हैं, यूएन से हमारी मांग है. और हमारी मांग उनसे भी है कि जो आज फलस्तीन के अंदर इसराइल के लोग जाकर उस मुल्क में घुस करके जिनका मुल्क है उनके साथ बेरहमी से उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका उनका इसराइल का साथ दे रहा है, तो कम से कम कुछ शर्म करें लोग. इंसानियत मारी जा रही है, लोगों का खून खराबा हो रहा है, जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो देखने काबिल नहीं है. तो इन लोगों को जा कर के इंसानियत के नाते उनकी मदद करना चाहिए और उनको उस मुल्क में अमन चैन से रहने का हक दिलवाना चाहिए. कैमरामैन हरी बोईसह सोनाली पाटिल, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता. रोहिंग्या मुस्लिम समाजावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात आता अमरावती, अंजनगाव, सुरजीमध्येही निषेध आंदोलनं करण्यात आलीत. एमआयएम पक्षाच्या वतीनं निषेध मूक रॅली काढण्यात आली. भारत सरकारनं या प्रकरणी हस्तक्षेप करून म्यानमारशी चर्चा करावी अशी मागणी एमआयएमने केली. बर्मा म्यानमार येथे रोहिंगे मुस्लिम बांधवांवर होत असलेल्या अत्याचार आणि हिंसाचाराचा अंजनगाव सुरजीमधील एमआयएमच्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात आलाय. एमआयएमचे शहर अध्यक्ष मुजीब यांनी याबाबतची दखल घेत दसेरा मैदान काटीपुरात तहसील कार्यालय अशी मुकमोर्चा रॅली काढली. मुस्लिम बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी एमआयएमने थेट तहसील कार्यालयावरच रॅली काढली. यासंदर्भात तहसीलदार पुरुषोत्तम भुसारी यांना निवेदनही देण्यात आले. निष्पाप मुस्लिम बांधवांना केंद्र सरकारकडून मदत मिळवून द्यावी, रोहिंग्या मुस्लिम बांधवांना वैद्यकीय मदत, निवास, भोजन इत्यादी सुविधा सरकारकडून देण्यात याव्यात अशी विनंती मुस्लिम बांधवांनी तहसीलदारांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात येणाऱ्या निवेदनातून सरकारला केली आहे. भारत सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून मुस्लिम बांधवांवर होणारा अत्याचार लवकरात लवकर थांबवावा ही प्रमुख मागणी घेऊन शेकडो मुस्लिम बांधव या मुकमोर्चा रॅलीत सहभागी झाले होते. गाँव सुरजी में हमने एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया था. उस रैली में हमने तकरीबन सभी मुस्लिम के लोग, सभी मुस्लिम धर्म के लोगों को जोड़े और सभी पार्टियों के लोगों को जोड़कर तहसील कार्यालय पर एक रैली लेके गए. उस रैली में हमने तहसीलदार को एक डेपुटेशन दिए और उस डेपुटेशन में ये बताया कि भाई बर्मा में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो जुल्म के खिलाफ भारत सरकार आवाज़ उठाए और भारत में जो बर्मा से मुस्लिम आए हुए हैं भारत की बॉर्डर पर उनकी मदद करें. कॅमेरामॅन इम्रान सह जावेद शाह, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता. घेऊ एक छोटीशी विश्रांती. चेंबूर माहूल बीपीटी रोड येथील हजरत सय्यद गाजी सालार मलंगशहा कादरी उर्फ घासवाले बाबा यांचा उरूस सुरू झालाय. 10 दिवस चालणाऱ्या या उरूसमध्ये देशभरातील भक्त या उरूसात सहभागी होतात, बाबांचा आशीर्वाद देखील घेत आहेत. मात्र MMRDA आणि महापालिकेनं दर्ग्याबाहेर उभारलेल्या पत्र्यांच्या शेडमुळे भक्तांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. माहूल बीपीटी रोडवरील हीच ती घासवाले बाबांची दर्गा जिथे दरवर्षी 10 दिवसांचा उरूस भरवण्यात येतो, ज्यामध्ये देशभरातील भक्तगण आपली मनोकामना घेऊन या उरूसामध्ये सहभागी होतात. तसे हर साल आता हूँ और मैं छड़ीवाला हूँ जो पानीपत से हम लोग जो है साबिर पाक से चलते हैं दिल्ली, दिल्ली से अजमेर आते हैं हर साल का वही मैं हूँ और हर साल यहाँ आता हूँ, यहीं पर रहता हूँ. यहाँ का जो है श्रद्धालु बहुत है, यहाँ का जो है बहुत बड़ी मर्तबा है कि जो भी कोई आया लंगड़ा लूझा जैसा भी आया वो अच्छा होके गया, जो भी कोई माँ आई जो है जो बच्ची आई मांगने के लिए उनका मुराद पूरा हुआ. मोहम्मद हैं, हम अजमेर शरीफ से आए, दरबार शरीफ के गद्दी नशीन हैं, यहाँ आते हैं अजमेर शरीफ से गिलेफ वगैरह फूल की चादर वगैरह लेकर आते हैं और यहाँ आने के बाद हम लोगों को बहुत दिली सुकून मिलता है, सबकी मन्नत मुरादें पूरी होती हैं और जो इनसे लगाव लगन रखते हैं उन सबके काम होते हैं. मैं हज़रत उत्तराखंड से आया हूँ, कलिया शरीफ से, हरिद्वार के पास एक दरबार है दरगाह, वहाँ से खादिम हूँ. बाबा की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये अल्लाह के दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं और हमें आके यहाँ बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी तसल्ली मिलती है और आते हैं हाज़िरी के लिए. हाँ, मैं नागपुर सरकार ताजुल औलिया से आता हूँ, हर साल सालाना उरूस में 10-12 दिन रहता हूँ यहाँ पे, यानी 7-8 साल के करीब हो गए मेरे को. बहुत ज़बरदस्त था यहाँ पे
दस दिन कव्वाली होती थी और न्याज नजर सब होता था। घासवाले बाबा दर्ग्याचे प्रमुख सुफी जलाल शाह कादरी यांच्या वतीनं मागील 50 वर्षांपासून हा उरूस साजरा करण्यात येतोय। येथे येणाऱ्या प्रत्येक भक्तगणाची मनोकामना पूर्ण होत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। उर्स आज 12 तारीख से लेकर ये 10 रोज का मेला है बाबा का। हर साल बड़ी धूमधाम से उर्स मनाया जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के कोने कोने से लोग आए, कलकत्ता से लोग आए हुए हैं, अजमेर शरीफ से आए, नागपुर से लोग आए हुए, उत्तराखंड से लोग आए हुए, अजमेर शरीफ से लोग आए हुए। घास वाले बाबा का बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं इनके बारे में क्या बताऊँ, संत फ़कीर के बारे में बोलना ही बहुत बड़ी बात है, उनको पूजना उनको जानना ही बहुत बड़ी बात है। बस हम ये श्रद्धा से अपने सरकार को मानते हैं और हर मुराद आने वाले जितने भी लोग हैं सबकी मुराद पूरी हुई है। किसी ने गोद भरा है, किसी की गोद भराई हुई है, फालिस से लेकर लकवे से लेकर किसी की शादियां हुई है, हर किसी की मुराद पूरी हो रही है। मागील 2 वर्षांपासून MMRDA आणि महानगरपालिकेने दर्ग्याभोवती उभारलेल्या पत्र्यांच्या कुंपणामुळे येथे उरुसात सहभागी होणाऱ्या भक्तांना पत्र्यांचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय। दिक्कत यही है, हमारे को रास्ता नहीं है आने जाने, सब पत्रे गिरे, बच्चे लोग के पैर को पत्रे लग रहे है और इतनी परेशानी हो रही है। हर साल उरुस अच्छा होता है, 2 साल से ही तकलीफ है, यही तकलीफ हो रही है यहाँ पर परेशानी। कल तो हम लोग बच्चा छोटा लेके जाने में पूरा भीग के जा रहे हैं, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे पड़ रहा है। 2:30 बजे पूरा यहाँ से पूरा अंधेरा, यहाँ पर एक भी उजाला नहीं, मालूम पत्रा गिरते गिरते बच गया वहाँ पर, इतना बुरा हुआ यहाँ पर। हर मजहब के लोग आते हैं, इसके लिए हमारी सरकार से दरखास्त है कि देखो वो खुद आके देखे, हमारे को खुद आइए और खुद दरगाह के पास आके देखिए। जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो नहीं देखेंगे, हम लोग न्यूज़ के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि इधर अंधेरा इसकी वजह से कि आपने हमको नहीं देखा। मोठ्या प्रमाणात इकडे उरुस व्हायचा की दोन्ही बाजूला लोक गच्च भरून असायची आणि भंडारा चालायचा, भरपूर मोठ्या प्रमाणात भजन व्हायचे, लोक यायचे। पण आता इकडे असं झालं आहे, जागाची तोकडी निर्माण झाली आहे, हे लोकांनी पत्र्याचं कंपाऊंड बनवलं, त्यामुळे लोकांना भरपूर त्रास व्हायला लागला आहे। आणि तरी पण हे लोक एवढे श्रद्धाळू आहे की बाबांच्या श्रद्धेसाठी जीव हातात घेऊन तरी दर्शनासाठी येतात। आता एवढं जर प्रशासनाला दिसत नसेल तर काय अर्थ नाही त्या सरकारचा। जिथे विविध उत्सवांकरिता प्रशासन विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देते, तिथेच या उरुसाला कोणतीही सुविधा उपलब्ध न करून देता MMRDA आणि महापालिका अडथळा निर्माण करत असल्यानं भक्तांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय। त्यामुळे प्रशासनानं याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी दर्ग्याचे प्रमुख सुफी जलाल शाह कादरी यांनी केली। 10/9/2016 से ये हमारे पे बहुत बड़ा जुलम डाला MMRDA ने और सारी दरबार को तोड़ दिया, आजू बाजू तोड़ दिया। अब आज उर्स है, ये उर्स में आज संदल का दिन है। देखो कितने मासूम मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग आने जाने के लिए इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है कि मैं इतना डर लग रहा है कि मैंने आज जानबूझकर संदल इस रास्ते से नहीं निकाला कि आगे देखो पत्रा गिरने का खतरा है। प्रशासन से यही है, MMRDA से, कि हमें ये उर्स करने के लिए वो रास्ते को भी खोल दिया जाए। हाँ, काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखो आपके सामने मासूम मासूम बच्चे हैं, नाला है, बाथरूम नहीं है, लाइट की तकलीफ, अभी आपके सामने इतना देर। सबकी ये तमन्ना है, मैं मीडिया की जानिब से आपके जानिब से ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि हमारी तरफ ज़रा ध्यान दें। हाँ,
और यहाँ के आमदार नगर सेवक से भी मेरी आपकी जानिब से इतला है कि अगर हमसे भी कोई खता गलती हुई हो तो हमारी खता गलती को माफ़ करें और बाबा के श्रद्धालुओं के ऊपर आपका ध्यान करें, बाबा आपका ध्यान करेंगे। कैमरामैन किरण सह प्रिया भुजबळ, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता। आपल्या विभागामध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडली असल्यास अथवा कोणतीही समस्या असल्यास आम्हास ती जरूर कळवा, आम्ही ते आमच्या वृत्तवाहिनीवर जरूर प्रदर्शित करू। आमचा पत्ता 197-2 लाखियाव स्टेशन रोड गोवंडीपूर्व मुंबई 400088। आमचा दूरध्वनी क्रमांक 6533-1216 किंवा 9322-8600-153। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। तर पुन्हा भेटूया याच वेळी याच ठिकाणी। आपली बातमी आपली वाहिनी, पाहत राहा जनादेश वृत्तवाहिनी। नमस्कार।